शुभेंदु अधिकारी के बड़े बयान से जुड़ी हुई है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास की जरूरत है ही नहीं, वो कह रहे हैं जो हमारा साथ देगा हम उनका साथ देंगे। शुभेंदु के इस बयान के बाद अब राजनीति अलग तरीके से हो रही है। शुभेंदु अधिकारी अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं चाहिए ये कहते हुए नजर आए और वो कह रहे हैं हम जीतेंगे, हिंदुओं और संविधान को बचाएंगे। यानी सीधे तौर पर उनका ये जो बयान है वो धार्मिक एंगल से अगर देखें तो भड़काने वाला है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दे दिया है बड़ा बयान और कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास की जरूरत है ही नहीं, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। साथ ही साथ अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं चाहिए ये भी साफ कर दिया, कह रहे हैं हिंदुओं और संविधान को बचाएंगे और हाँ निश्चित तौर पर हम जीतेंगे भी। हाल ही में उपचुनाव के जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें चारों ही सीटों पर टीएमसी जीती है। उस बात के बाद भी शुभेंदु अधिकारी इस तरह पब्लिक डोमेन में ये बात कहते हुए नजर आए, उनका ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास की जरूरत है ही नहीं, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान पर अब सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। टीएमसी को बैठे बिठाए मिल गया है बड़ा मुद्दा और शुभेंदु अधिकारी के इस बयान को लेकर पब्लिक डोमेन में भी चर्चा अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। शुभेंदु अधिकारी का बयान जिसमें वो कह रहे हैं नहीं चाहिए अल्पसंख्यक मोर्चा, साथ ही कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की जरूरत ही नहीं है, हम तो जीतेंगे, हिंदुओं और संविधान को बचाने का काम हम करेंगे। बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ जो हमारे साथ जो हमारे साथ हम उनका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा, भलो थकून। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ जो हमारे साथ जो हमारे साथ हम उनका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा, भलो थकून। जय श्री राम, जय श्री राम।